देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम यहां पर कर रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीते काफी समय से जो सियासी हलचल देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में बीते काफी समय से जो सियासी स्थिति देखने को मिल रही है, वो सब उससे परिचित है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से एक और जहां उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं, संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शरद पवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाल ही में खबर सामने आई थी कि शरद पवार ने किसी एक बागी विधायक को फोन किया था और उनसे एकनाथ शिंदे के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में अब तो ईडी की सरकार हो गई है। ईडी का क्या मतलब है ये मैं बताऊंगा जरूर कि ईडी की सरकार हो गई है और कैसे ईडी की सरकार से अब उन्हें डर लग रहा है, कैसे वो ईडी की सरकार से अब दोस्ती करना चाहते हैं ये बताएंगे। दरअसल ईडी का मतलब हुआ यहाँ पर डी मतलब देवेंद्र हो गया और ई मतलब एकनाथ शिंदे हो गया। तो ईडी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में है। तो सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि शरद पवार कह रहे हैं कि अब तो इनकी सरकार आ गई है, ये तो अब जो है अपने हिसाब से काम करेंगे, उनसे जो है कहीं ना कहीं उन नेताओं से या उन पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनसे अब अपना जो पूरा जो गुस्सा था वो निकालते नजर आएंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि शरद पवार अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। शरद पवार ये बात जानते हैं उद्धव ठाकरे का समर्थन करने का कोई फायदा नहीं है, ऊपर ऊपर से वो कह रहे हैं लेकिन अंदर अंदर से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे को तो मुख्यमंत्री पद की उन्होंने बधाई भी दी थी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो गिले शिकवे थे उसको खत्म करना चाहते शरद पवार, क्योंकि शरद पवार ये नहीं चाहते तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर करना, क्योंकि शरद पवार ये बात जानते हैं कि तालाब में रहकर अगर मगरमच्छ से बैर किया जाएगा तो नुकसान उनको ही उठाना पड़ेगा। इसलिए शरद पवार ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो दुश्मनी थी उसको खत्म करके एक नए सिरे से काम किया जाए। तो सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा समय के हालात या मौजूदा समय की स्थिति है वो सीधे तौर पर ये बता रही है कि आने वाले समय में कितना बड़ा जो नुकसान है वो केवल उद्धव ठाकरे और संजय राउत को होता नजर आएगा, क्योंकि शरद पवार अपने बहुत बड़े हद तक चीजों को बचा रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं। देखिए वो कहते भी है ना कि जैसा देश वैसा भेज, तो जैसी सरकार वैसा काम, तो जैसी सरकार है उस हिसाब से काम अब शरद पवार कर रहे हैं, क्योंकि पता है कुछ पावर हाथ में है नहीं, सेंट्रल में बीजेपी बैठी हुई है, महाराष्ट्र में भी भाई उनकी सरकार बन गई है। तो ऐसे में शरद पवार राजनीति के अच्छे खासे जो है उन्हें अनुभव है, राजनीति की अच्छी खासी उन्हें समझ है और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि अब कोई जो मुश्किल है वो नहीं लेना चाहते हैं कौन, शरद पवार। तो शरद पवार जिस तरह का कदम उठा रहे हैं और जिस तरह से वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से दोस्ती करना चाहते हैं, उनसे डर भी लग रहा है, तो माना जा रहा है कि क्या वाकई अब जो बयानबाजी का दौर है या वो जिस तरह से वो फडणवीस और शिंदे का समर्थन करते नजर आएंगे और उद्धव से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए।